हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को केले का फूल का एक रेसिपी दिखाऊंगी। हम बंगाली लोग इसको थूर बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में शेयर बोलिएगा। पहले तो थूर को सफाई करेंगे, जिस तरह वीडियो में हो रहा है आप भी इस तरह सफाई कर लीजिएगा। इसमें एक डंडा होता है और एक छिलके के टाइप का होता है, इसको निकाल दीजिए। फिर इसको छोटे छोटे पीस में काट दीजिए, जैसे यहाँ पर कटिंग हो रहा है। यहाँ पर मैंने 5 आलू को काटा है और यहाँ थूर छोटे छोटे कटिंग कर लिया है। फिर ये थूर है, इसको कुकर में हम लोग उसको बॉईल करेंगे। चार सीटी तक वेट करेंगे और दूसरी तरफ आप लोग आलू को बॉईल कर लेना है। जब आलू बॉईल हो जाए तो कढ़ाई में थोड़ा तेल लीजिए। फिर तेल में आलू को डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी दे दीजिए। और सॉरी, ये पार्ट मेरे से स्किप हो गया था फ़ोन से, तो आप लोग श्योर डालिएगा क्योंकि मैंने भी डाला था। और ये देखिए, ये हल्का हल्का फ्राई हो गया है तेल में। फिर से कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल दीजिए, 5 फूरन दीजिए, सूखना मिर्ची दीजिए, तेज पत्ता दीजिए और इसको हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए। जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाए, जो आपने थूर को जो बॉईल किया था उसको पानी से झड़ा झड़ा के आप कढ़ाई में इसको डाल दीजिए। जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी दीजिए। थोड़ा सा जीरा पाउडर दीजिए और थोड़ा सा नमक दीजिए। थोड़ा नमक इसलिए देते हैं क्योंकि ये जब इसमें पानी रहता है बहुत, ये धीरे धीरे पानी सूखने के बाद इसका क्वांटिटी कम हो जाता है। जब देखोगे थोड़ा सा इसका क्वांटिटी कम हो गया तो अब इसमें आलू डाल दीजिए। आलू को अच्छी तरह से इसमें मैश कर दीजिए। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से मैश हो गया, पानी भी थोड़ा सूख गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी दे दीजिए इस टेस्ट के लिए, और घी को अच्छी तरह से मिला दीजिए। जब घी को अच्छी तरह से मिलाना ख़त्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला दे दीजिए और सबको अच्छी तरह से मिला दीजिए। जब ये मिला देंगे तो ये आपका बन गया, रेडी है खाने के लिए। इसको मोचार घंटों भी बोलते हैं, थूर घंटों भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है। आप इसको राइस के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, पर अपने घर में श्योर एक बार ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बोलना कि आपको कैसा लगा खाने में। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय।